मृत शरीर की अदला बदली, जवाबदार कौन, लापरवाह कौन, यह सवाल अब लोगों के दिलों में घर करने लगा है। जलगांव में जो मामला हुआ है, ऐसा ही मामला देश भर में कई जगहों पर हुआ है, जहां पर रिश्तेदारों को कोई अलग ही मृत शरीर दे दिया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। मामला शुक्रवार को भुसावल का है, जहां पर डॉक्टर उल्लास पाटिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हुई एक महिला का पार्थिव घर वालों को दे दिया गया। जब घर वाले अंतिम संस्कार के लिए उसे कब्रिस्तान ले गए, तब पता चला कि यह तो उनके रिश्तेदार है ही नहीं, अर्थात ये उनके रिश्तेदार का पार्थिव नहीं था। और फिर सिलसिला शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का। घर वालों ने आरोप लगाया है कि यह पूरी तरह से अस्पताल की लापरवाही है और अस्पताल वाले बहुत सारी लापरवाही कर रहे हैं। हमारी अम्मी की बॉडी है, कब्रिस्तान में लाने वाले थे, हम तो बाहर बैठे हुए थे और पता चला कि वो बॉडी दूसरे की है। हमारे साथ बहुत इंसाफी और चेहरा हमने बहुत जबरदस्ती की है, उनकी जैसे उनका जो जैसा था हमने रूल वैसा फॉलो किए ताकि हम जैसे सरकार के बाहर न जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बॉडी चेंज कर दी प्लीज। और हमारी तो ये आपको कैसा पता चला कि बॉडी चेंज हो गई? वो कहीं यहाँ पे एम्बुलेंस में हमने जबरदस्ती खुलवाने लगा है, हम बाहर ही बैठे हुए थे, थोड़ा सा देखने दो, पर वो पूरा पूरी दूसरी बॉडी थी। तो जो दूसरी बॉडी थी वो बॉडी किसकी थी? क्या पता नहीं, वो पता नहीं किसकी थी। तो वो लेडीज की थी किसकी? लेडीज की थी। निगेटिव बॉडी थी हमारी और हम डायरेक्ट यहाँ पर आए, हमने सरकार का रूल फॉलो किया, सीधा कब्रिस्तान ले जाओ। ऐसा कब्रिस्तान ले कौन से हॉस्पिटल का है? गोदावरी फाउंडेशन। बोला कि भाई तुम इनको गोदावरी में लेके जाओ। गोदावरी में इनका सॉप लिया गया और उसको चेकअप के लिए भेजा गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर दुर्दैव से इनकी मौत हो गई। अब रात में जब हमने इनसे बॉडी मांगी तो इन्होंने बोला कि हम बॉडी तुमको सबको देंगे, रात में बॉडी देने के हमारे उसमें कोई रूल है नहीं। और इसके लिए हमने जब सवेरे बॉडी लेके आए तो इन्होंने हमको बोले कि भाई तुम डायरेक्ट कब्रिस्तान में ले जाके दफनाना, घर लेके नहीं जाना। तो हम कब्रिस्तान में नातेवाईकों ने जब देखा तो ये बॉडी हमारी नहीं, किसी दूसरे की है। और इसी तरीके से इन्होंने जो बॉडी दी ये बहुत लापरवाही है दवा खाने वालों की, और इस तरीके से अगर ये काम करते हैं तो इनके दवा खाने सील करना चाहिए और डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दवा खाने का मैटर ये गोदावरी हॉस्पिटल के अंदर का प्रकार है। इसी बारे में भुसावल के विधायक संजय सावकारी ने भी अपना स्टेटमेंट देते हुए लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। बॉडी उघडली म्हणून हे निदर्शनास आलं की मुस्लिम महिलेच्या ऐवजी हिंदू महिलेच्या प्रे तिथे आणला गेला, ते जर पाहिलं गेलं नसतं तर तसेच विधी झाला असता। पण ही खरोखर चुकीची गोष्ट आहे, लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, हॉस्पिटलमध्ये लक्ष दिलं पाहिजे, शासनाने याच्यात लक्ष घातलं पाहिजे। अशा पूर्वी किती केसेस झाले असेल माहिती नाही, की दूसरी बॉडी आलेली आहे। दूसरी ओर अस्पताल अपनी ओर से पल्ला झाड़ रहा है। डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है वह मृतक के रिश्तेदारों की गलती की वजह से हुआ है और अब इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कल रात को हमारे यहाँ दो संशयित रुग्ण जो थे, पेशेंट जो थे, उनकी डेथ हुई। रात को ही हमने उनका ब्लड प्रोग्नोसिस जो भी था वो रिलेटिव्स को बताया था। डेथ होने के बाद उनके जो भी रिलेटिव्स है वो सुबह आए, एक रिलेटिव जो डेड बॉडी जहाँ पे अदला बदल हुई थी वो रिलेटिव ने हमें बोला कि हमें कपड़ा पहनाना है, तो आप प्लीज़ हमें वो बॉडी को देख के कपड़ा पहनाने की परमिशन दे दो। तो हमने उनको बोला कि आप पीपीई किट पहन के उस वहाँ जा सकते हो और अपनी डेड बॉडी पहन के आप कपड़ा पहना सकते हो। डेड बॉडी को रैप हमने करके दिया था, उसके ऊपर से उनको कपड़ा पहनाना था। उस हिसाब से उन्होंने कपड़ा पहनाया, डेड बॉडी का चेहरा भी देखा, लेकिन शायद वो उनकी डर की वजह से या उन्होंने पीपीई किट पहना था इसलिए शायद उनकी कोई गलती हो गई और वो रिलेटिव ने रॉन्ग बॉडी वो घर पे लेके गए। लेकिन जब भी स्मशान भूमि में वो बॉडी लेके गए वहाँ उनके ध्यान में आया कि ये जो डेड बॉडी है ये हमारी नहीं है, तो फिर ये इशू रेज हुआ और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया। फिर हमने वो डेड बॉडी चेंज करने के लिए एम्बुलेंस भेज के वो डेड बॉडी लाया और उनको वापस जो उनकी ओरिजिनल डेड बॉडी थी वो उनके हाथ में दे दिया। लेकिन जब पेशेंट की मौत हो जाती है तो उसके पैर को कुछ डेड बॉडी का नाम लगाया जाता है? सर, हमने टैग लगाया था, हम वो इसके ऊपर नाम लिखते हैं, जो भी किट पहनाते उसके ऊपर नाम लिखते हैं, लेकिन वो रैपर करने की वजह से थोड़ा सा उनका गलती हो गया। इसमें गलती किसकी? इसमें अभी गलती किसकी है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हुई है गलती।
जिम्मेदार कौन, लापरवाह कौन, यह तो बाद की बात है। बात इसमें यह भी है कि अगर मृत व्यक्ति का पार्थिव रिश्तेदारों का नहीं था तो फिर यह मृत व्यक्ति कौन था और किसका था जिसे भुसावल वालों को दे दिया गया था, और क्या अस्पताल इस तरह की लापरवाही कर सकता है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा भी दिया है और दिखा भी दिया है। अस्पताल वालों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और लापरवाहियों को कहीं भी जगह न दें। जलगांव से जक्की अहमद, धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम। रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। हे गाइस,